सबसे पहले मैं बाला साहब जी से मैं बताना चाहता हूं और हमारे नजीक के पड़ोसी नीलेश जी विश्वजी कर्मा हमारे मित्र ही है साहेब। मैं कोई एक वक्ता नहीं हूं और ना मुझे कोई भाषण आता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ जो आंखों देखी दिख रहा है उतना बोलते आता है। हमें बिना आंखों देखे को बोलना नहीं है, इसी कारण मैंने खुद अपने सजबोल सत्तोल सामाजिक संगठना अपने अभी फिलहाल गांव लेवल पे तैयार करके है, ताकि हम वो सजबोल सत्तोल जो संगठना है, क्योंकि आज हमें पूरे सच को एक संगठित होना पड़ेगा, तब जाके हम ये सब चोरों को और गलत लोगों को हम दबा दबोच सकते हैं। और सबसे पहले मैं जब से यहाँ पे आके हूँ तो सबसे पहले मैं जो हमारे सामने जो माँ येलगार सभा बाड़ा साहेब जी अम्बेडकर की सुनने के लिए बहुजन वंचित सर्वधर्म समभाव के सभी कार्यकर्ते और सभी समाज के सम्मान पूर्वक वो जो धूप में बैठे थे अभी तक, शायद ही उनको देख के खुशी प्राप्त होती है कि हकीकत में ये शेरनी के बच्चे हैं। जो शेरनी का बच्चा रहता है ओला बारूद धूप बारिश सभी सहन कर सकते हैं, तो अभी हमारे को सहन करने के लिए अभी एक सामना करना है, तो सामना करने के लिए हमें जरूर तैयारी करना पड़ेगा। अभी आज वो मौका आ गया है, अभी हमें युद्ध की तैयारी करना है, कारण हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने जो वैज्ञानिक लोगों को साथ में लेके सभी को विश्वास में लेके जो संविधान पारितोषिक किया था, आज वो संविधान पे भी आज धोखा आने वाला है। इसी वजह से आज उन्हीं का ही हम लोगों ने वागिन का दूध पिया है, तो आज हम कहीं सत्ताधारी लोगों का सामना कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हमें आंखों देखी देखना है कि अभी आज हमारे आंखों देखी जो हमारा देश कैसा चल रहा है। हमारा देश पूरा झूठी से चला रहा है, सच लोग एक तरफ है और झूठ लोग एक तरफ है। झूठों की संख्या बहुत कम है और सच की संख्या बहुत सारी है, लेकिन सब सच को डराने वाला काम जो आज उन्होंने पूरा कायदा अपने हाथ में झूठों के हाथ में देखे है, इसके वजह से हमें आज पूरे सच लोगों को परेशानी हो रही है। तो आज वो सारी चीजों में से उनको अपने को बाहर करने के लिए अगर ताकत निर्माण करना है, तो हम सभी धर्म के सर्वधर्म समभाव के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ओबीसी इन सारी जातों को हमें संगठित होके उनका सामना करना है और हमारे देश को हमें बचाना है। हमारा देश एक समय में जो हमारे कोई पूर्वजों ने जो अंग्रेज के समय में जो उस समय देखा था, वो आज अंग्रेजों से भी नपत्तर अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई तो हमें उनके हमारे देश में हमें गुलामी करना पड़ेगा, और गुलामी के सिवाय हमें कोई ईजा नहीं है। ऐसा आज सामना हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, ये आंखों देखी है। सच बोल सत्तोल, आज सच बोलो तो क्या होता है, सच बोलो तो बंदूक की गोली भरी हुई रहती है, क्योंकि बंदूक की गोली तभी निकालना चाहिए जो वो जाके कहां कहां पे लगे, ताकि हम बंदूक की गोली भर के रखे हुए लोग हैं, हमने अभी बंदूक की गोली निकालने की है, जिस दिन निकलेंगे तो कितने खत्म होंगे उसको कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि बंदूक की गोली की रफ्तार का कोई अंदाजा बता नहीं सकता। मेरे दोस्त भाइयों और मित्रों, मुझे ये आज दूसरा ही मंच है
मैं सजबो सत्तो सामाजिक संगठन में भारतीय जनता पार्टी में मैं 25 से 30 साल उनका कार्यकर्ता बन के मैंने काम किया। जैसा हमारे महाराष्ट्र में पक्ष प्रमुख उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ वार किया, जो उनके साथ जुनून किया, वैसे जुनून को सहन नहीं करते हुए वैसे ही बीजेपी को रिजाइन देके उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष में मैंने प्रवेश किया। क्योंकि हमें युद्ध लड़ना आता है, शीश कटाना आता है, लेकिन झुकना नहीं आता है। ये तो कुर्बानी हमारे शरीर में सभी के सिक्कों में। आज हमारा देश कहीं चल रहा है, हम कहीं सिख आगे आए हैं, कहीं हमारे को राजकीय लोगों ने हमें आगे आन दिया है। क्योंकि आज हमें आगे आने की नौबत आ गई है, क्योंकि हमें देश बचाना है तो आगे आना ही पड़ेगा। और ऐसी धूप धीप ये अपने को सहन करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त भाइयों, मेरी माता बहनों, मेरे छोटे से कड़वे क्योंकि बोलने वाले बहुत यहाँ पे अभी मंच पे हमारे बाला साहेब जी के विचार सुनने के लिए इतनी सारी लाखों की संख्या में जो पब्लिक आई है, तो मैं सभी को मेरे छोटे से कड़वे बताना चाहता हूँ। हमारे देश में जो आज हमारा देश कौन से मोड़ में और कौन से तरीके से चल रहा, तो ये आपके आंखों देखी का नहीं है। कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में वतन, अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में वतन। कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ होंगी राज के रे और सुशिक्षित मांग रहे भीख, सुशिक्षित मांग रहे भीख। मेरे दोस्त भाइयों, माता बहनों, आओ जिनको सलाम करो उनको, आओ जिनको सलाम करो उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है, जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। सोचा भी नहीं था कि जिंदगानी में ये दिन आएंगे, सोचा भी नहीं था कि जिंदगानी में वो दिन आएंगे। बीजेपी के राज में फूल डूब रहे और पत्थर तिर रहे पानी में, बीजेपी के राज में फूल डूब रहे और पत्थर तिर रहे पानी में। मैं भारत माँ का बेटा हूं, मैं बेटे का फर्ज निभाऊंगा, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा, सीने पे गोली खाऊंगा, सीने पे गोली खाऊंगा। अभी आज हमारे को हमारा अगर एक छोटा सा कोना महाराष्ट्र ही है, तो आज हमें महाराष्ट्र में अगर ध्यान देना है, तो महाराष्ट्र को और हमारे किसानों को, अगर हमारे देश के लिए भी अपने आज महाराष्ट्र से जैसी आज हमारे नजरों के आगे जो जिनके नाम बाला साहेब के नाम से जाने जाते हैं, वही महाराष्ट्र को संभालने वाले, देश को संभालने वाले बाला साहेब नाम के लोग है, जो अपने बाड़ा बन के हमारे देश के आगे उन्होंने जीवन जगा है और सभी को रास्ते दिए हैं, और अभी आज भी रास्ता देने के लिए अपने जैसे के कंधे से कंधा लगा के और अपने को साथ देने के लिए आज वो लोग अपने पास मौजूद है। अभी आज हमें देश को अगर हमारे अंधभक्तों को अगर खत्म करना है, तो आज हमें सबको निर्णय लेना है, भीम शक्ति शिव शक्ति का, भीम शक्ति शिव शक्ति का निर्णय लेना है। और हमारे भीम शक्ति और शिव शक्ति के आदरणीय श्रद्धे बाला साहेब जी अंबेडकर, हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना के श्रद्धे उद्धव बाला साहेब जी ठाकरे, इन दोनों के हाथ मजबूत करो। हमें आज जो जुनून देखने के लिए मिल रहा है वो अजीब बात नहीं मिलेगा। ऐसी में मेरे सजबोल सत्तोल की चपेट लेके और मेरे अनुभव को आंखों देखी देख के मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरे शब्दों को विराम करता हूं। भारत माता की वंदे, जय भवानी, बाबा साहेब अंबेडकरांचा
जय भीम। युगा युगाच्या अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल नेण्यासाठीच कदाचित आदरणीय बाळासाहेबांचं नेतृत्व आपल्याला लाभलं असेल, मला असं वाटतं की